इसका जो है छत, ये आप देखेंगे ये गिर चुका है यहाँ पर, और ये बहुत रिस्क हो सकता है यहाँ पर जाने में, तो हम लोग बहुत संभल कर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे इसे बहुत ही संभल करके जाना पड़ेगा। ये बहुत ही अंधेरा है फ्रेंड्स, बहुत डार्क और बहुत ही हॉन्टेड लग रहा है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सालों साल से यहाँ पे रोशनी नहीं जली, यहाँ पे कोई भी चिराग रोशन नहीं हुआ, हर तरफ वीरानगी ही वीरानगी फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्कुल वीरान पड़ी है ये मस्जिद, आपको ये देखेंगे यहाँ पे मेहराब में दरार, उधर भी दरार, हर तरफ ये काला पड़ चुका है बिल्कुल, कोई मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। और फ्रेंड्स बहुत ही अफसोस हो रहा है इसे देख करके, ये इतनी खूबसूरत मस्जिद और इसका क्या हाल है अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स मैं रज़ा खान आज आपको लेकर के आया हूँ दिल्ली के बेगमपुर एरिया में, और आज मैं आपको दिखाऊंगा 700 साल पुरानी बेगमपुर मस्जिद। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये 700 पुरानी ये मस्जिद है जो कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इसे बनाया गया था। और ये जो मस्जिद है ये फिरोज शाह तुगलक के जो प्राइम मिनिस्टर, जो उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे खान जहाँ जूना शाह, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। तो फ्रेंड्स अभी ये मस्जिद को मैं अभी हर तरफ से दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स ये आप देखेंगे ये बेगमपुर एरिया है और ये बिल्कुल डेंसली पॉपुलेटेड है, ये आप देखेंगे चारों तरफ आपको मकान दिखेंगे लोगों के, और इसी से लगी हुई है ये मस्जिद, बेगमपुर मस्जिद, ये इसका कैंपस है और इधर से इसका एंट्रेंस गेट है। तो फ्रेंड्स अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको चलकर दिखाते हैं किस तरह से है ये, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो ये आप देखेंगे ये इंटर करते ही इसके फर्स्ट गेट से ये आपको इस तरह का व्यू दिखेगा, यहाँ सामने आपको स्टेयर्स दिखेंगे और ये इसके लेफ्ट साइड का व्यू, और यहाँ पर भी आप देखेंगे लोगों के घर बने हुए, और ये इसका राइट साइड का व्यू है। तो फ्रेंड्स जैसे ही अंदर आएंगे आप तो आपको इस एंट्रेंस गेट पे आपको इस तरह का व्यू दिखेगा, ये आप देखेंगे इसमें तीन तरफ से गेट है अंदर आने के लिए, एक ये दूसरा जिधर से अभी हम लोग आए, और एक इस साइड ये तीसरा गेट है। और आप अंदर देखेंगे काफ़ी बड़ा गुंबद आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं ये इसके एंट्रेंस गेट पे बहुत ही बड़ा गुंबद है जो अंदर से बिल्कुल काला पड़ गया है, ये आप देख सकते हैं, और ये ऑक्टैगनल शेप में है ये गुंबद, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये आप देखेंगे इसके चारों साइड में आपको इस तरह से मेहराब बना हुआ दिखेगा, ये मेहराब डिज़ाइन। और आप देखेंगे यहाँ पर भी मेहराब के दोनों एंड पर आपको दो सर्कल डिज़ाइन का शेप दिखेगा, आप देखेंगे दो सर्कल डिज़ाइन का शेप दिखेगा ये, और जिसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देखेंगे बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पर इस तरह का मेहराब दिखेगा, ये देखेंगे आप बहुत ही बड़ा है ये, इसके जो एंट्रेंस गेट से लगा हुआ है ये, इसके मेन से सहन की तरफ जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये मेहराब है, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके सहन की तरफ हम लोग आगे, ये आप देखेंगे ये इसका पूरा ओपन एरिया है इस मस्जिद का, और मैं अभी इसको चारों साइड आपको दिखाऊंगा किस तरह से है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसके चारों साइड आपको मेहराब नुमा आपको इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा, इसमें पिलर्स लगे हुए पिलर्स हैं, और ये मेहराब शेप का ये डिज़ाइन बना हुआ है इसका, ये आप देख सकते हैं ये कई इसमें एंट्रेंस गेट्स बने हुए जो मेहराब शेप में हैं। और आप देखेंगे फ्रेंड्स इसके ऊपर कई गुंबदें आपको दिखेंगे, या बहुत ही यूनिक इसका स्ट्रक्चर है इस मस्जिद का, क्योंकि आप देखेंगे इसमें एक लाइन से आपको गुंबदें दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई गुंबद, और बीच में एक बड़ा गुंबद और फिर छोटे कई गुंबद ये आपको दिखेंगे। अभी मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से है। तो ये आप देखेंगे फ्रेंड्स ये अभी हम लोग इस तरफ से आए थे, और आपको यहीं से दिखेगा ये गुंबदें, ये देखेंगे ये नीचे पूरा गैलरी सा बना हुआ है और उसके ऊपर कई गुंबदें आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये एक के बाद एक कई गुंबदें हैं जो बिल्कुल काले रंग के हैं, और एक बीच में ये बड़ा गुंबद, यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता
होगा इस तरफ से, और फिर देखेंगे आप, फिर यहाँ से आपको फिर गुंबदें आपको दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी यहाँ पर गुंबद होगा, बट यहाँ पर आई थिंक ये छत टूट चुका है इसका। तो और ये देखेंगे एक गेट इधर भी है जो ऊपर जाने के लिए इसमें स्टेयर्स बने हुए हैं। अभी इसके करीब भी जाकर हम देखेंगे किस तरह से है ये, और फिर आप देखेंगे इसके लेफ्ट साइड कई गुंबदें हैं, एक सारे काले रंग के ये गुंबदें ये आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे गैलरी है, कई पिलर्स हैं, और फिर इस साइड भी आपको एक बड़ा गुंबद दिखेगा, और इधर भी शायद ऊपर जाने के लिए रास्ता होगा। तो अब इसके नज़दीक भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे क्या है ये, और ये आप देख सकते हैं चारों साइड आप देखेंगे फ्रेंड्स बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है इसका, ये काले गुंबद एक के बाद एक आपको दिखेंगे चारों साइड में आपको, जो कि इसे बहुत ही यूनिक बना रहा है। ये बहुत ही यूनिक इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ऐसी मस्जिद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये अपने में बहुत ही यूनिक मस्जिद है। और अब इस तरह की मस्जिद और इतनी बड़ी मस्जिद अब शायद ही बनती होगी। और ये जो मस्जिद है फ्रेंड्स, ये बेगमपुर मस्जिद, ये उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, ये उस वक्त की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। और दिल्ली के अंदर ये जामा मस्जिद के बाद ये सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली के अंदर, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये 700 साल पुरानी ये मस्जिद है, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में खान जहां जूना शाह ने बनवाया था इसे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो बहुत ही पावरफुल थे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस तरफ से आए थे, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट था, ये आप देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल सामने आपको एक और ये काफ़ी बड़ा गेट आपको दिखेगा, ये बहुत ही ह्यूज गेट है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसके अंदर चलेंगे हम लोग और चलकर देखते हैं किस तरह से है। तो अभी पहले एक बार इसके ऊपर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं किस तरह से, और ये देखेंगे ये इसका मीनार हुआ करता होगा, जो ऊपर का पार्ट टूट चुका है, ये दोनों एंड पे इसके मीनार था, ये टूट चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी देखेंगे आप, ये रास्ता काफ़ी, ये स्टेयर्स है ये ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ी है, यहाँ पे और भी स्टेयर्स हैं, कई गेट्स हैं यहाँ पर, लेकिन सारा बंद है। तो एक ये भी बंद था शायद, तो किसी ने इसे खोल दिया है ऊपर जाने के लिए, ये देखें इसे बड़े बड़े पत्थर से इसे जो है बंद कर दिया गया था, बट अभी किसी ने इसे शायद खोला होगा, पत्थर हटाया होगा ऊपर जाने के लिए। तो अभी कोशिश करते हैं ऊपर जाने का, तो आप हमारे साथ बने रहें। देख सकते हैं काफ़ी इसकी चौड़ाई कम है और बहुत संभल कर आना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे पत्थर किस तरह से, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो चोट लग सकती है, गिर सकता है इंसान। काफ़ी टर्न्स हैं इस सीढ़ी के अंदर, ये स्टेयर्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही नैरो है। और इस तरह की सीढ़ी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ जिसमें इतने ये जो इतनी घुमावदार हो। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से थी ये ऊपर से, तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अंधेरा है काफ़ी, ये सीढ़ी, ये स्टेयर्स, ये देख सकते हैं, ये शायद आपको ना दिखे क्योंकि बहुत ही डार्क है, ये बहुत ही डार्क है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस तरफ से आए, ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी नैरो है, ये सीढ़ी इसकी चौड़ाई आप देखेंगे बहुत ही कम है, और ये पहली बार ऐसी सीढ़ी मैं देख रहा हूँ जो स्टेयर्स है ये जो बहुत ही घुमावदार हो। इसमें कई टर्न्स हैं इस स्टेयर्स में और बहुत ही अंधेरा है, तो कभी आप लोग आएँ तो बहुत संभल कर आएँ, और ये क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क हो सकता है गिरने का। और ये आप देखेंगे फ्रेंड्स ये गुंबदें, ये आप देखेंगे फ्रेंड्स कई गुंबदें हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे एक के बाद एक यहाँ पर काले काले गुंबदें हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये काले गुंबदें हैं, ये आप देख सकते हैं एक करीब 700 साल पहले इस मस्जिद को बनाया गया था। फ्रेंड्स ये मस्जिद अपने में बहुत ही यूनिक है, ये बहुत ही यूनिक है मस्जिद जिसमें आपको इस तरह के बाद एक कई गुंबदें आपको दिखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स एक के बाद एक ये काले काले ये गुंबदें, ये आप देख सकते हैं ये इसे आप काफ़ी यूनिक बना रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप, जो इसका डिज़ाइन है इस मस्जिद का, ये काफ़ी यूनिक इसे बना रहा है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे ये इसका जो है छत, ये आप देखेंगे ये गिर चुका है यहाँ पर, और ये बहुत रिस्क हो सकता है यहाँ पर जाने में, तो हम लोग बहुत संभल कर जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे इससे बहुत ही संभल करके जाना पड़ेगा, ये पूरा छत गिर चुका है फ्रेंड्स, ये छत पूरा गिर चुका है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
इसमें टूट चुका है और पता नहीं कब कौन सा पार्ट इसका गिर जाए, तो बहुत रिस्की है ये। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का। ये आप देख सकते हैं, ये रिस्क लेकर के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं ये गुंबद, ये काफ़ी इसका आप देखेंगे, ये जो इसका सरफेस है काफ़ी आप देखेंगे रफ है। ये आप देखेंगे इसमें नुकीले, पूरे पूरा नुकीला है, ये पूरा पत्थर इसमें निकला हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी रफ लुक है इसका। और इस तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक के बाद एक गुंबद। और उसके आगे आप देखेंगे बड़ा गुंबद, बीच बीच में आपको बड़े साइज का गुंबद दिखेगा। और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इस तरह की मस्जिद देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये पूरा कैंपस इसका जो काफ़ी बड़ा है, ये बहुत ही बड़ा इसका सहन है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा इसका सहन है, ये आप देख सकते हैं। और मैं अभी आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक के बाद एक गुंबदें, एक के बाद। और नीचे ये गैलरी है और मेहराबदार, ये इसमें गेट्स बने हुए हैं और उसके ऊपर गुंबद। ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्लोजअप व्यू आपको। ये आप देख सकते हैं किस तरह से। और यहाँ पर एक बड़ा गुंबद, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी आपको एक साइज़ के कई गुंबदें आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से इसके इस साइड भी आपको राइट साइड में गुंबद के बाद गुंबद, सारे काले काले गुंबद, ये आप देख सकते हैं। और बीच में एक फिर से एक बड़ा गुंबद, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अजूबा इसका स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस मस्जिद के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हैं, ये बिल्कुल टॉप पे हम लोग, टॉप फ्लोर पे। और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मस्जिद का किस तरह का नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं इसका व्यू, ये आप देख सकते हैं ये काले काले ये गुंबद, एक के बाद एक। ये आप देख सकते हैं जो इस मस्जिद को बहुत ही यूनिक बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह की मस्जिद आपको और कहीं नहीं दिखेगी, इस तरह की मस्जिद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक है। ये आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही यूनिक। और इधर आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी छत हुआ करता था जो टूट चुका है, ये इसका कोई भी मेंटेनेंस है नहीं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मस्जिद बिल्कुल वीरान पड़ी है, ये वीरानगी है यहाँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अफसोस हो रहा है इसे देखकर, ये मस्जिद बिल्कुल वीरान है, हर तरफ वीरानगी ही वीरानगी है। अभी मैंने आपको इधर दिखाया था किस तरह से था ये। और फ्रेंड्स, अब वापस हम लोग इस रास्ते से हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अंधेरा है फ्रेंड्स, बहुत डार्क और बहुत ही हॉन्टेड लग रहा है ये। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही हॉन्टेड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सालों साल से यहाँ पे रोशनी नहीं जली, यहाँ पे कोई भी चिराग रोशन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बोलते हैं कि जिन्नतों का बसेरा है। रात में कोई भी नहीं आता यहाँ पर, दिन में ही लोग आते हैं और इसे विजिट करके चले जाते हैं। और ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही डार्क है, ये बहुत ही घुमावदार ये स्टेयर्स, ये आप देख सकते हैं बहुत ही घुमावदार, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत संभल कर उतरना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं हम लोग वापस इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ, ये देखेंगे बहुत रास्ते को बंद कर दिया गया था, बट किसी ने इसे खोल दिया। ये आप देख सकते हैं पत्थर हटाकर। तो फ्रेंड्स, वापस हम लोग इसके ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। ये आप देख सकते हैं ये नीचे का व्यू। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके अंदर, ये इस एंट्रेंस गेट के, और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से है अंदर का व्यू। ये आप देखेंगे अंदर आते ही आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा देखने को। ये आप देख सकते हैं इसका किस तरह से है कंस्ट्रक्शन, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरफ आप देखेंगे मेहराबदार पूरा ये आपको डिज़ाइन दिखेगा, एक के बाद एक।
तो इधर भी अभी चलेंगे। पहले मैं आपको इधर दिखा दूं किस तरह से है ये। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका गुंबद, बहुत ही बड़ा गुंबद है फ्रेंड्स। ये पहली बार इस तरह का गुंबद मुझे देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा, जो ऑक्टेगनल शेप में है और इसके चारों साइड आपको इस तरह का मेहराबनुमा डिज़ाइन आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो इमाम साहब होंगे वो यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते होंगे इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये पूरा आप देखेंगे इसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा लाल, ये रेड सैंड स्टोन से इसे बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रेड सैंड स्टोन से इसे बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। और ये बीच वाला पार्ट ये पूरा मार्बल का है, वाइट मार्बल, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे ये काफ़ी कई कर्व्स हैं, इसमें आप देखेंगे ये कई कर्व्स बने हुए हैं इसके मेहराब में, ये कर्व्स वाले मेहराब हैं इसमें, ये डिज़ाइन बना हुआ, ये बहुत ही यूनिक है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसका है व्यू। तो यहाँ पर किसी टाइम पे यहाँ पर जो इमाम होंगे वो नमाज पढ़ाया करते होंगे इस जगह पे। और ये इसका एरिया यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और ये आप देखेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया था पहले, इसके मेहराब के दोनों एंड पर ये गोल सर्कल डिज़ाइन बना हुआ है और जिसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। ये मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ किस तरह से ये मेहराब के दोनों एंड पर ये गोल सर्कल से बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे काफ़ी बारीक डिज़ाइन बनाया गया है इसे काट करके, और बीच में यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है। और इसके लेफ्ट साइड में भी आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का आपको हर मेहराब के ऊपर में दोनों एंड पर आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही, ये इसे काट करके इसे बनाया गया है और बीच में अल्लाह लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसी से लगा हुआ यहाँ पर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कई पिलर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, और हर पिलर के ऊपर आप देखेंगे ये मेहराब डिज़ाइन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक है, एक के बाद एक मेहराब, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह का आपको इसके चारों साइड में आपको ये दिखेगा सेम कंस्ट्रक्शन का, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक है, ये मेहराब दार डिज़ाइन बना हुआ है ये। और इसके वॉल्स में आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह का बना हुआ है, ये यहाँ पर भी मेहराब शेप का ये डिज़ाइन, ये आप देख सकते हैं, ये एक के बाद एक आपको बिल्कुल एक जैसा कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा, ये डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर ये रोशनदान, ये आप देख सकते हैं। और इसके आप छत देख सकते हैं, बिल्कुल काला पड़ चुका है, और इसमें आप देखेंगे नोकीले पत्थर आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नोकीले काले पत्थर इसमें आपको दिखेंगे। और इसी के ऊपर फ्रेंड्स, इसका ये इसके ऊपर कई गुंबदे बने हुए हैं, इसके ऊपर कई गुंबदे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कई काले गुंबद। और ये इसका नीचे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल काला पड़ चुका है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही डरावना सा भी लग रहा है ये देखने से। ये देखिए क्या हाल है इसका, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका लुक आप देखें, ये कितना डरावना सा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा काला, और इसका आप देख सकते हैं किस तरह का कलर आपको दिख रहा है, ये व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही आपको अजीब सा दिखेगा ये। और इस मस्जिद का बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग टॉयलेट कर देते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और बहुत ही बुरा हाल है, लोग थोड़ा सा भी इसे सोचते नहीं कि किस जगह पर हैं वो, और कभी ये यहाँ पर नमाज हुआ करती होगी, ये रिलीजियस प्लेस था, और लोग यहाँ पर गंदगी फैलाते रहते हैं, बहुत मिसयूज़ है इस जगह का, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर, बहुत ही बुरा हाल है फ्रेंड्स इस मस्जिद का, बहुत अफसोस लग रहा है इसे देखकर, ये बिल्कुल वीरान पड़ी है सालों साल से ये मस्जिद फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वीरान पड़ी है, वीरानगी है फ्रेंड्स, हर तरफ चारों तरफ इस मस्जिद में वीरानगी, ये बिल्कुल खंडर सा हो गया अब, ये आप देखेंगे क्या हाल है इसका, इस मस्जिद का। और ये कुछ टाइम के बाद अगर इसी तरह से रहा तो ये मस्जिद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो भी इसका बचा कुचा ये ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है,
ये भी ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आप देख सकते। तो फ्रेंड्स ये मस्जिद को अभी मैंने आपको दिखाया अंदर से और बाहर से भी, इसके ऊपर जा कर के भी किस तरह से है ये। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्या हाल है इस मस्जिद का, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, बहुत ही बुरा हाल। और ये जो मस्जिद है फ्रेंड्स, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम में बनाया गया था, इसे करीब 700 साल पहले, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, खाने जहां तिलंगानी जो उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और वो काफ़ी पावरफुल थे, जिन्हें जो है फिरोज शाह किंग ऑफ दिल्ली भी बोला करते थे, यानी कि दिल्ली का राजा उन्हें खुद ही उसे उन्हें बोला करते थे, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और वो उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त पे। और ये जो थे खाने जहां तिलंगानी, इनके जो बेटा थे वो भी बाद में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में वो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका नाम खाने जहां जूना खान हुआ करता था। तो फ्रेंड्स ये जो मस्जिद है, ये एक्चुअल में खाने जहां जूना शाह ने इसे बनवाया था, इस मस्जिद को। और इस तरह की मस्जिद जो है उन्होंने कई बनवाई, करीब 7, ऐसा सुनने में आता है कि करीब उन्होंने 7 मस्जिदें यहां पर इस दिल्ली के अंदर बनवाया था उन्होंने, इसमें कि एक ये मस्जिद है। और हर मस्जिद में ख़ास बात ये था कि सारी मस्जिद काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की मस्जिद हुआ करती थी, बड़े एरिया में बनाया जाता था उसे। तो उसमें से एक ये मस्जिद है, बेगमपुर मस्जिद। और ऐसा भी सुनने में आता है फ्रेंड्स कि ये जो बेगमपुर मस्जिद है, इसका नाम बेगमपुर इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपनी बेगम की याद में इस मस्जिद को बनाया था उन्होंने, अपनी वाइफ की याद में, अपनी बेगम की याद में इस मस्जिद को बनवाया था। तो इसी वजह से इस मस्जिद का नाम बेगमपुर मस्जिद पड़ा। और इसी मस्जिद की वजह से फ्रेंड्स इस पूरे एरिया का जो है बेगमपुर नाम पड़ा। और तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका यूनिक डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया था, ये काफ़ी यूनिक है अपने में। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है, ये मैंने आपको दिखाया था अभी, एक के बाद एक कई काले गुंबद इसके चारों तरफ कई गुंबद, और नीचे कई पिलर्स और मेहराबदार ये गेट्स, आपको इस तरह के डिज़ाइन आपको दिखेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया था करीब से। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक मस्जिद है अपने में। और फ्रेंड्स ये अगर इसे मेंटेन रखा जाता तो इसका अभी शक्ल ही कुछ और होता, जो अभी आप देखेंगे। हर तरफ गंदगी, बहुत बुरा हाल, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ा भी मेंटेनेंस नहीं है, जर्जर हाल हो रहा है। कभी भी ये बिल्डिंग ये पूरा गिर सकती है, इसके छत गिर सकते हैं, और गिर भी रहे। अभी मैंने आपको दिखाया था इस तरफ, यहाँ पर छत गिर भी चुके हैं, और उस साइड भी पूरा छत गिर चुका है, तो पूरा गुंबद नीचे आ चुके हैं टूट करके। ये मैंने आपको दिखाया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे खड़े रहने में भी डर लग रहा है, कभी ये ऊपर से नीचे गिर सकता है। और यहाँ का हाल देखिए, ये पूरा हाल है, ये दरारें, ये देखिए ये सारे इसमें दरारें हैं, ये हर आपको ये देखेंगे यहाँ पे मेरा दरार, उधर भी दरार, हर तरफ ये काला पड़ चुका है बिल्कुल, कोई मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। और फ्रेंड्स बहुत ही अफसोस हो रहा है इसे देख करके कि इतनी खूबसूरत मस्जिद और इसका क्या हाल है, अभी बहुत ही बुरा हाल है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स नमाज होती तो इसका बात ही कुछ और होता, बट फ्रेंड्स एटलीस्ट यहाँ पर अगर नमाज नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे मेंटेन करें, एटलीस्ट इसको मेंटेन, इसको साफ सुथरा रखें, गलत लोगों को अंदर आने ना दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो है गलत लोग बहुत आते हैं यहाँ पर अंदर, यहाँ पर आकर के इस जगह पर शराब पीते हैं, गलत काम होता है, लोग इधर उधर टॉयलेट कर देते हैं, गंदगी फैला रहे हर तरफ, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर यहाँ पर नमाज नहीं हो रही है तो इसे बंद रखना चाहिए, यहाँ पर गार्ड प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी गार्ड नहीं है यहाँ पर, हम लोग बिल्कुल आराम से आ गए अंदर, कोई रोक ठोक नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पर देख करके इस मस्जिद को, बहुत ही अफसोस
बहुत रोना आ रहा है इसे देखकर। इसका हाल बहुत ही बुरा फ्रेंड्स, और इस तरह की पता नहीं कितनी मस्जिदें हैं इस तरह की जो वीरान पड़ी हुई है। मस्जिद वीरान पड़ी हुई है बिल्कुल, ये मस्जिद बिल्कुल रो रही है नमाजियों के लिए, बट कोई नमाजी नहीं है यहाँ पर फ्रेंड्स, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस मस्जिद को पूछने वाला नहीं है। क्या हाल है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा मैं इसे बोला नहीं जा रहा, इसका हाल देख करके तो मैं अब ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। तो ये आपको मैंने दिखाया हर तरफ से किस तरह से ये मस्जिद का हाल है। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को एंड करते, अभी इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया फ्रेंड्स। तो अभी मैंने आपको दिखाया ये बेगमपुर मस्जिद हर तरफ से, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से मैंने दिखाने की कोशिश करी, और इसके बारे में आपको जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपसे शेयर करा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको देखकर मैं क्या बताऊँ कि क्या लगा होगा आपको ये देखकर इसका हाल। तो फ्रेंड्स तो ये थी बेगमपुर मस्जिद, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई जगह। तब तक अपना खास ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।